ये जियो का हैंडसेट है, इसका मॉडल है F50। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग नहीं होती, तो इसका चार्जिंग पॉइंट चेंज किया जाएगा। किस तरह से करेंगे पूरा वीडियो में आप बने रहें, इसमें पूरा एंड तक देखें वीडियो में, चार्जिंग जैक चेंज करके दिखाते हैं आपको किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी असेंबल को, कैबिनेट को। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया कहीं कहीं पर कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए कहीं कहीं पे फास्ट किया वीडियो को और कट भी किया है, बट जो मेन हैं जगह पे वहाँ पे दिखाया है, स्लो भी किया है और दिखाया भी। तो पहले पेस्ट लगा करके हम कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं कनेक्टर रिमूव हो गया और यहाँ पे तीन ट्रैक मिस हैं, जहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर का पॉइंट जॉइंट होते हैं, वो तीन जॉइंट जहाँ पे टाका लगाया जाता है, जॉइंट किया जाता है, तो बोर्ड में वो तीन ट्रैक मिस हैं। तो उसके लिए मैं अलग से जंपर वायर ले लेना है, जंपर वायर को चार हिस्सों में कट कर लें, फोल्ड कर लें। चार्जिंग कनेक्टर में 5 पॉइंट होते हैं वैसे तो, लेकिन हमने चार के ऊपर जंपर वायर से उसको जॉइंट देना है, चार कनेक्शन देना है। जो तीन कनेक्शन तो कंटिन्यू है, 1, 2, 3, फिर उसके बाद 4 नंबर वाला छोड़ देना है, 5th नंबर वाला आपका ग्राउंड होता है, 1st नंबर वाला आपका प्लस है, और लास्ट जो 5th है वो आपका ग्राउंड है। तो 1st का यूज़ होगा, 2nd का भी यूज़ होगा, 3rd का भी यूज़ होगा, एंड 5th का यूज़ होगा, देन 4 मिस कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी हम कनेक्टर के ऊपर जंपर वायर जॉइंट कर लेते हैं। अभी इसमें देखें हमने चार वायर जॉइंट किए, 4 नंबर वाले को छोड़ दिया। इसी वीडियो में भी एक पिक्चर आएगी आगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर जो हम जंपर वायर के थ्रू कनेक्शन दे रहे हैं, इस कनेक्शन की हमने जो फ़ोटो है वो हमने आपको पहले वीडियो में ही, इसी वीडियो में इससे पहले फ्रीज करके दिखा दिया है, आप वहाँ पे पॉज करके सेम कनेक्शन दे सकते हैं। वैसे ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3 एंड ट्रैक नंबर 5, 4 को छोड़ देना है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको हर जो भी मेरे पास हैंडसेट आएंगे रिपेयर के लिए, उसकी हम आपको न्यू वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कम समय में आपको एक बेहतर नॉलेज देने की हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जो मेन पॉइंट होगा वहाँ पे हम आपको रोक करके दिखाएंगे वीडियो, जिससे आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो पाए, ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा आपका टाइम भी ना इन्वेस्ट हो। अब यहाँ पे हम जो टाका लगा रहे हैं, इसकी मजबूती के लिए लगा रहे हैं। जो सबसे पहले हमने वीडियो में 2 पिन पीछे की तोड़ी थी, फिर उसके बाद अब इसको हम ग्राउंड से प्लेट से कनेक्टर को पीछे से भी टेक दिया है, और आगे जो 2 खांचे होते हैं वहाँ पे भी उसको टेका हुआ है, शोल्ड कर दिया है।
तो अभी हम चेक करते हैं चार्जिंग लगा करके। पहले असेंबल में लगा लेते हैं कैबिनेट में, चार्जिंग लगाता हूँ। मिशन सक्सेसफुल, मोबाइल खुद बोल रहा है ओके। अभी हम इसको पैक कर लेंगे। 59% चार्जिंग है। और इस चार्जिंग कनेक्टर का आपको रेट पता है कितना लेता हूँ यहाँ पर? ये 50 रुपीज़ ओनली। जितने भी कीपैड फ़ोन होते हैं उनका चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने की फ़ीस ओनली 50 रुपीज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो पूछें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल सब्सक्राइबर, यू आर वेलकम।